विशेष काम से बाहर जाना है और वो हमारे यहाँ पे विकास भवन में प्रसाद के अधिकारी हैं बहन सुशीला चौधरी जी आए और अपना मंच पर उपस्थित परम आदरणीय महापुरुष एवं मंडल अध्यक्ष मोहित साहब, जिला अध्यक्ष उदय सिंह जी एवं समस्त पदाधिकारीगण एवं दूर दराज से और सहरसा आए था। अब मैं इस मंच के माध्यम से अरविंद जी मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र उनको भारत रत्न दिया जाए, ऐसी मेरे यहां से मंच। हम यहां प्रस्ताव के जरिए ये अति पिछड़ा अधिकार मंच आगरा अलीगढ़ मंडल आदरणीय वकील साहब के निर्देशन में काम कर रहा है। मैं यहां का जनपद सेवक हूं, मैं ये चाहता हूं यहां से प्रस्ताव भेजा जाए कि ये अधिकार मंच महारानी अहिल्याबाई होलकर के लिए भारत रत्न की मांग करता है। जो आलीशान कोठियों में सोता हो वो हाथ से कर अग्नि पर एक रात बिताना क्या जाने। मिलते हो दिन में तीन बार मिलते हो दिन में तीन बार जिसको नित व्यंजन नए नए मक्का की सूखी रोटी को वो प्याज से खाना। जिसने नित दिन सताए हो वो दया दिखाना क्या जाने। हम सात आठ या दस में पढ़ते थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, तब भी हमने कोई खास नाम नहीं सुना कि कोई अहिल्याबाई होलकर, कोई छोटा सा कोनों में लिखा जाता था कोई इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर हुई थी। लेकिन जब प्रयोजन प्यास को देखा गया तो देश में सर्वाधिक महिलाओं से लेकर और सामाजिकता से लेकर के और समाज में समाजवाद फैलाने के लिए सबसे ज्यादा कार्य करने वाली राजमाता अहिल्याबाई होलकर विकास किए। 50 में संविधान लागू होता है और फिर यहां पर जो लड़ाई जारी रहती है। अभी हमारे विद्वान वक्ता बता रहे थे काका कालेकर आयोग, उस आंदोलन से जुड़े लोग उस काका कालेकर आयोग में भी शामिल किए जाते हैं। इस देश से पूरी रिपोर्ट संकलित की जाती है और उस रिपोर्ट को भारत की सरकार लागू नहीं करती है, ठंडे बस्ते में डाल देती है, फिर उसे लागू कराने के लिए यहां पर संघर्ष किया जाता है। 53 में आयोग बना, 56 में रिपोर्ट आई, लागू नहीं किया, फिर से लागू कराने के लिए जब संघर्ष किया जाता है तो 61 में वर्ष थोड़ा मेरे ध्यान से हट रहा, 61 में भारत सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है सभी राज्यों के लिए कि यदि आप चाहें तो अपने राज्यों में इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। 61 से लेकर के निरंतर सरकारें बनती रही, हमें अधिकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को तो आरक्षण मिला लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को कहीं कोई आरक्षण नहीं मिला। उस पत्र के आधार पर बिहार पहला प्रदेश बनता है जहां पर 11 नवंबर 1978 को मंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा पिछड़ा अति पिछड़ा और महिला वर्ग को आरक्षण देने का काम किया जाता है। इस परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सच्चाई ये है कि जिस समय इस देश में महिलाओं को पूर्ण अधिकार नहीं था उस समय यदि किसी महिला ने देश पर राज्य किया, शासन चलाया, सत्ता का पूरा जो है अनुभव अपने जीवन में उठाया
और अपने निर्माण अपने जीवन काल में उन्होंने अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए। हरिद्वार में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, धर्मशालाएं हैं। साथ ही मैं आर्य समाज से संबंधित हूँ। आर्य समाज के बहुत बड़ा एक संस्थान है पंजाब के अंदर, विश्वविद्यालय का दर्जा उसको प्राप्त है, उसको कहते हैं विश्वेश्वरानंद विश्वविद्यालय, स्वामी विश्वेश्वरानंद विश्वविद्यालय। तो उसका इतिहास उनकी पत्रिकाएं आसाम में आती हैं, तो मैं पढ़ रहा था कि उसकी जमीन को पूरा बिल्डिंग बनाने का पूरा भवन निर्माण के लिए किसी खर्चा किया तो वो एलएमआई ट्रस्ट ने दिया। तो उस समय आप इसे लाया लगा सकते हैं, वो विद्या की बहुत बड़ी पार्किंग थी। वो जो भी उस समय जो हो सकता था वो उन्होंने किया। जो था भरद्वाज पत्रिकाए है, उन्होंने जो अपना समय दिया है, हम उनके घोर घोर उनके आशीर्वाद के लिए जहाँ इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात आपके बीच में कही। मंच के बैठे वाले अतिथि मंच के संरक्षक हमारे भाई कंधे से कंधे मिला करके इस अधिकार मंच का संचालन करवा रहे हैं भाई सतीश नायक जी। इनकी आवाज पूरे प्रदेश में गूंज चुकी है कि जो अब तक पिछड़ों का जो कोई यहाँ संगठन नहीं था, वो अध्यक्षों के माध्यम से भाई सतीश नायक जी इसको पूरी तरीका से ताकत देने काम कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे पिता श्रीमान मेहता जी, मंच पर राजमान बंसीवाल राजगुरी हमारे गुरु जी, मंच पर राजमान इस जिला के अध्यक्ष भाई विजय सिंह नागर जी, मंच पर सम्मानित भाई सीपी सिंह बघेल जी, सोगरा मंच पर राजमान भाई रवि चंद प्रजापति जी, इकलास चंद्र करके आए भाई हमारे बरनाड़िया संता, मंच के समक्ष बैठे हमारे निषाद समाज से भाई जसवंत सिंह निषाद जी जो अथमिछड़ा अधिकार मंच का पूरी तरह से मीडिया का काम कर रहे हैं, मंच के समक्ष बैठे हमारे सरोदय दरोगा जी, भाई पीड़ी बघेल जी, पृथ्वी साहब, संग्राम सिंह हमारे महामंत्री जिला अलीगढ़, डूबर सिंह जी, के पी सिंह जी, पीडब्ल्यू जी, महेंद्र सिंह जी, पाटर जी हमारे खजान सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी हमारे सबदी साहब, हमारे दरोगा जी गोवर्धन सिंह जी, डूबर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी वैज्ञानिक और गोविंद कुमार सिंह जी समक्ष मंच के समक्ष बैठे। आज सुबह से आप बैठे हैं, 3 घंटे से आपको समय जो दिया है आपने, मैं समझ रहा हूँ आपने बहुत सारे विद्वानों की बात सुनी। हमारे पूर्व वक्ता भाई सतीश नायक जी ने, के पी साहब ने, निषाद जी ने लोकमत आयोजन आई पर उन्होंने प्रकाश डाला, अधिक के बारे में बताया और बहुत सारे प्रस्ताव आपके पास किए हैं। साथ ही सतीश सिद्धांत जी जब होगी कि जी अर्थ पिछड़ा मंच का जो संगठन है वो आपको जगह जगह आवाज दे, आप संगठित होकर के संघर्ष करेंगे तो मैं समझता हूँ दूर नहीं थे कि ये ताकत आपकी आपके काम बहुत जल्दी आएगी। समय अभी अगर कम में जाता 2019 से इसकी स्थापना हुई और 2019 से लगातार चाहे वो पीरियड इसका कोरोना का हो, चाहे इसी तरीके से आपदा हो, पूरी तरह से काम कर रहे साथियों। अब बात आती है कि लोक पात्रा ने जो कार्य किए वो न्याय प्राण लोक प्राण संघर्षशील कुशल शासक, उन्होंने अपना 30 वर्ष का जो शासन किया वो कुशल शासक रही, महिला सेनाओं का निर्माण कराया। तो साथियों ऐसी महिला जिनका नाम स्वर्ण अक्षर लिखा जाता है, जिनकी पत्रिका जिनकी किताब सुमंत्र अनुबंध लिखी और उसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो साथियों ऐसी महापुरुषों का हम प्रेरणा लेते हुए अपने अधिनियम समाज में जो अधिनियम जातियां हैं उनके संघर्ष के लिए हम सब मिलकर के उनके अधिकारों के लिए हम काम करेंगे। ये जो मंच है वादा देता है आपको बीच में बैठ करके कि कोई भी संघर्ष हो उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे और जो हमारे साथ चलेगा हम उसका साथ देंगे, जो हमें वोट देगा हम उसको वोट देंगे। साथियों आप आगे जाने की बात आती है, लोगों ने 70 साल में अभी तक हमको न्याय व्यवस्था शासन व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में जो आरक्षण नहीं दिया वो लड़ाई अधिकार मंच लड़ने काम कर रहा है। समय बीता जा रहा है, 75 साल हो गई, अभी तक हम अपने आरक्षण की बात करते थे, अपनी जात की बात करते थे, समाज की बात करते थे, अब हमारे न्याय जी बता रहा है कि ये जातियां उपजातियां जाति हमारी एक ही है जो पिछड़ी है दलित है। तो अगर हमने जुड़कर के इसको काम करेंगे तो इस जनपद में एससीबीसी के लोग इस सत्ता में
अपनी भागीदारी हासिल करेंगे और अलीगढ़ जनपद से अपने विधायक लाने में जरूर कामयाब होंगे। तो मैं आपका ज्यादा समय लेते हुए मैं ज्यादा क्योंकि आप लोग सुबह से बैठे हैं, बोलने का समय तो बहुत है, पर हमारे पूर्व वक्ता ने सारी जानकारी आपको दे दी है और उन्होंने संगठन के बारे में बताया। यहाँ से जो प्रस्ताव पास हुए हैं कि लोग माता हजार होटल को भारत रत्न की जो मांग है वो प्राथमिकता से रखी जाए। दूसरी मांग है कि लोक माता हजारबाई होटल नाम से एक सरकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए जिसका नाम लोक माता हजारबाई होटल रखा जाए। तीसरी मांग है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, शासन प्रशासन शिक्षा में जो अध्यक्ष आरक्षण है भारत सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार में जो आप देख रहे हैं एकलव्य मानव संदेश। आपको हम दिखा रहे हैं कैसे विश्वंभर प्रसाद निषाद जी ने